नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश, आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल एजुकेशन बिहार को। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए बिहार पुलिस होमगार्ड प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आए जो आपका जनरल साइंस है। दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी। दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है, न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो, फैराडे। तो किसने की थी दोस्तों, आप लोग इसका राइट आंसर जानते होंगे, न्यूटन ने की थी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है दोस्तों, तड़ित चालक का बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है कौन है। दोस्तों, तो कॉपर जो है, तड़ित चालक बनाने के लिए कॉपर का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों, कॉपर जो है तड़ित चालक बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर मंडराता है क्योंकि ऊंचाई में कमी से वायु का दाब घटता है, वजन में कमी से वायु का दाब घटता है। गुब्बारे का वजन जो है उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, जो आपका गुब्बारे का वजन जो है होता है दोस्तों, उसके द्वारा विस्थापित वायु के वजन से कम होता है, इसीलिए हाइड्रोजन गुब्बारा जो है दोस्तों, हाइड्रोजन का गुब्बारा ऊपर की ओर जो है मंडराता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अविद्युतता जो है दोस्तों, अबिंदुकता का दोष जो है दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया चाहिए, किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। तो आप लोग, सिलेंडरी लेंस जो होता है दोस्तों, एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है द्विफोकसी लेंस। तो कि कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों, अबिंदुकता को दूर करने के लिए सिलेंडरी लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसी लेजर यथा नियॉन लेजर, किसी लेजर यथा जो है दोस्तों नियॉन लेजर में सभी परमाणु प्रकाश की तरंगी उत्सर्जित करते हैं क्यों दोस्तों, एक ही आवृत्ति की कौन किसका करती है दोस्तों, एक ही आवृत्ति की करती है, या एक ही आयाम की करती है, या एक ही कला फैज जिसे कहते हैं दोस्तों, कला जो फैज की, और उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी एक ही आवृत्ति, एक ही आयाम, एक ही कला जो है, एक ही, यानी तीनों को जो है दोस्तों उत्सर्जित करता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है, लोहे का टुकड़ा, ए नंबर ऑप्शन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, बेंजीन, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, जल हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है, यानी जल की सबसे ऊष्माधारिता जो है अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यदि किसी स्थान का तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है दोस्तों, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, घटती, बढ़ती रहती है। तो राइट आंसर इसका बता दो दोस्तों, घटती है, क्यों घटती है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी स्थान पर तापमान में सहसा वृद्धि हो तो अपेक्षित आर्द्रता क्या होती है दोस्तों, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेडियो प्रसारण के संदर्भ में AM का पूरा रूप क्या है, AM का पूरा रूप क्या है दोस्तों, एम्पलीट्यूड मूवमेंट, कहीं भी मूवमेंट नहीं दोस्तों, एम्पलीट्यूड मूवमेंट और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूलेशन जो होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो आपका AM का पूरा नाम होता है, पूरा रूप क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर डी नंबर है। क्वेश्चन है दोस्तों पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, नीला है, हरा है, नारंगी है, लाल है। तो राइट आंसर इसका बता दो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी नीला है। ठीक है दोस्तों, पीले रंग का पूरक कौन सा है, नीला है। ठीक है,
क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं दोस्तों? बेहतर मार्जन क्रिया के कारण, सही वर्ण संयोजन के कारण। तो राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों, सही वर्ण संयोजन के कारण जो है कपड़ों के धोते समय नील का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, घड़ी का सफरिंग जो होता है दोस्तों, घड़ी का सफरिंग में भंडारित जो होते दोस्तों, भंडारित ऊर्जा कौन सा होता है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। घड़ी के जो है सफरिंग में होता है दोस्तों, उसमें भंडारित जो होता है, भंडारित ऊर्जा होता है जो होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, थर्म किसका, थर्म किसका जो होता है दोस्तों, थर्म जो होता है किसका यूनिट है, किसका यूनिट है दोस्तों? शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का, दूरी का। तो किसका है दोस्तों? ऊष्मा का जो है थर्म जो है यूनिट है, ठीक है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना जो होता है दोस्तों, संकल्पना जो करता है देता है कौन सा नियम का, ऊर्जा की जो है संकल्पना करता है, या कार्य की करता है, या संवेग की, या जड़त की? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, जड़त की हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो इसका संकल्पना की थी, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, कि इसका कारण क्या है दोस्तों? कम गहरा दिखाने का, यानी परावर्तन का, विवर्तन का, या अपवर्तन का, या ध्रुवन का, कौन सा इसका कारण है दोस्तों? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, अपवर्तन का कारण, ठीक है दोस्तों। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण जो होता है, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहराई दिखाई देता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल साइंस जो प्रीवियस क्वेश्चन था दोस्तों बिहार पुलिस होमगार्ड से। तो ये क्वेश्चन अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत दोस्तों, खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।